धन्यवाद सभापति महोदय। फाइनेंस बिल पे, फाइनेंस बिल जो कि सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी से संबंधित है, कैसे सरकार अपने फाइनेंसिंग करती है अपने बजट को, उस पे उससे संबंधित विषय पे मुझे आज बोलने का जो अवसर मिल रहा है। हम इस फाइनेंस बिल के बारे में आकलन अपना भी देना चाहते हैं और कई बातों पे गहरी नाराजगी अपनी व्यक्त करना चाहते हैं। अभी सही कहा गया डिबेट में मुझसे पहले स्पीकर द्वारा कि सरकार की टैक्सेशन पॉलिसीज देश के गरीब पे, किसान पे, आम आदमी पर बोझ ज़्यादा डाल रही है और कॉरपोरेट और देश के अमीरों पे बोझ कम डाल रही है। सरकार की नीति ऐसी दिखाई दे रही है कि सरकार की नीति है जीरो आम आदमी के लिए। दो नीतियां हैं सरकार की, दो नीतियां। पहली नीति है आम आदमी के लिए, वो है जीरो बजट, जीरो बचत और टैक्स पर टैक्स की पूरी चपत। और खास नागरिकों के लिए सरकार की नीति है टैक्स में राहत और कमाई खटाखट। ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सर। दो तरह के टैक्स हैं हमारी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस यानी कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्सेस को प्रोग्रेसिव टैक्सेस भी कहा जाता है क्योंकि ये स्लैब के साथ जिसकी जितनी कमाई है उस पर लगाकर सरकार आर्थिक संतुलन अर्थव्यवस्था में ला सकती है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस, GST, एक्साइज, ये वो टैक्सेस हैं जो पूरे देश पे बराबर के लगते हैं और गरीब आदमी पे ज़्यादा बोझ आता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब अगर कोई मेडिसिन है, पैरासिटामोल या क्रोसिन की गोली है, देश का सबसे गरीब व्यक्ति अगर वो गोली खरीदेगा तो उसको भी उतना ही टैक्स उस पर देना पड़ेगा अगर देश का सबसे अमीर व्यक्ति वो गोली खरीदेगा। ये टैक्सेस का संतुलन देश की किसी की आर्थिक संतुलन से जुड़ी हुई बात रहती है। आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था में इस वर्ष अगर हम स्टेट्स और सेंटर के दोनों टैक्सेस को ऐड करके देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में लगभग एक तिहाई हमारे देश की कलेक्शन डायरेक्ट टैक्सेस से हो रही है और दो तिहाई इनडायरेक्ट टैक्सेस से, जो टैक्स देश के गरीब से, किसान से, आम आदमी से ज़्यादा लिया जा रहा है। अगर हम इसकी तुलना करें बाकी दुनिया के देशों से, ज़्यादातर एडवांस इकोनॉमीज, OECD कंट्रीज, एशियाई देशों में लगभग दो तिहाई देश का टैक्स का कलेक्शन लगभग दो तिहाई रहता है डायरेक्ट टैक्सेस से और एक तिहाई रहता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से, जो गरीब आदमी से लिया जाता है। और अगर हम UPA के समय से तुलना करें, UPA के समय भी हमारी देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी संतुलन आया था और लगभग आधा आधा 43% डायरेक्ट टैक्सेस से हम UPA के समय हमारी जो है सरकार लिया करती थी, 43% डायरेक्ट टैक्सेस से और 57% इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो यानी कि सरकार ने इस असंतुलन को विपरीत दिशा में लेके जाने का काम किया है। आज डायरेक्ट टैक्सेस में के माध्यम से कम कलेक्शन हो रहा है कॉर्पोरेट, और उसमें भी कॉर्पोरेट के टैक्सेस में सबसे ज़्यादा राहत सरकार ने देने का काम किया। पहली मरतबा देश में इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा इनकम टैक्स से कलेक्शन हो रहा है और अगले वर्ष तक पहली मरतबा GST कलेक्शन भी कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा होगी। तो कॉर्पोरेट टैक्स से सबसे कम कलेक्शन हुआ और कॉर्पोरेट टैक्स के कलेक्शन में गिरावट आई है पिछले कुछ वर्षों में, खास तौर पे 2019 में जब कॉर्पोरेट टैक्स में एक राहत दी गई 30% से घटाकर 22% तक कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया। आपकी नीयत क्या रही उस समय, उस पर मैं प्रश्न नहीं कहूँगा, लेकिन जब आपने बड़े उद्योगपति घरानों को, कॉर्पोरेट्स को ये राहत दी तो आपने कहा कि आप राहत इसीलिए दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश हो, अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़े, इन्वेस्टमेंट हो। और इस वजह से पिछले 5 साल में 8.7 लाख करोड़ की राहत देश के कॉर्पोरेट्स को देने का काम आपकी सरकार ने किया। लेकिन हकीकत क्या हुई? हकीकत ये हुई कि निवेश बढ़ने की बजाय इन 5 वर्षों में निवेश लुढ़क गया। कॉर्पोरेट टैक्स में टैक्स कट आपने उनकी प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए नहीं दिया था, आपने निवेश बढ़ाने के लिए दिया था, निवेश लुढ़क गया। आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि निजी निवेश दर देश में 20 वर्ष में सबसे निम्नतम स्तर पे है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो निवेश दर आया वो 20 साल में 2004 के मुकाबले का आज निवेश दर हरियाणा आज देश की अर्थव्यवस्था में हुआ। और दूसरी ओर FDI फॉरेन निजी निवेश दर जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, और FDI भी आज 16 वर्षों में सबसे निम्नतम स्तर पर FDI
इस वर्ष FDI 1.1% GDP की हमारी FDI मिली। मैं सुन रहा था वित्त मंत्री जी कह रही थी कि FDI कम इसीलिए हुई है क्योंकि जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, लेकिन जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तो पूरी दुनिया के लिए होने चाहिए। दुनिया के बाकी देशों में FDI में गिरावट नहीं आई, हिंदुस्तान FDI जो रिसिप्ट हैं उसमें 8वें नंबर पर होता था, एक ही वर्ष में गिर के 15वें नंबर पर आ गया हमारा देश FDI में। और FDI में तो रिकॉर्ड गिरावट आई है, लेकिन उसके साथ साथ आउटफ्लो में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। एक और केवल $27 बिलियन की FDI इस साल, दूसरी ओर $14 बिलियन का आउटफ्लो हो गया। तो आपने टैक्स कट किया कॉर्पोरेट्स के लिए कि कॉर्पोरेट निवेश करेंगे, जॉब क्रिएशन होगी, निवेश दर 20 साल में सबसे नीचे स्तर पर आ गया, FDI 16 साल में सबसे निम्न स्तर पर आ गई, निवेश हुआ नहीं, इसीलिए आज देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर चल रही है। आपने ये जो इस जो जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी आप लेके आए, इसको इस इकोनॉमिक पॉलिसी को ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं कि कॉर्पोरेट्स के हाथ में पैसा दो वो निवेश करेंगे, लेकिन ये गलत साबित हो चुकी है दुनिया में, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के हाथ में पैसा होगा तो वो वहाँ उस अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे जहाँ डिमांड स्ट्रांग है। आपने डिमांड को स्ट्रांग करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। जब तक डिमांड हमारी, आज हमारी डिमांड भी अगर आप देखें रूरल सेक्टर में डिमांड पिछले 5 साल से फ्लैट है, आज कृषि सेक्टर में डिमांड हमारी पिछले 7 साल से फ्लैट है। डिमांड जब तक इकोनॉमी में नहीं आएगी तब तक कॉर्पोरेट्स हमारी इकोनॉमी के अंदर निवेश नहीं करेंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये जो आपने ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स जो फेल हो चुकी है, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक थ्योरी, उसको हिंदुस्तान में प्रयास करने के लिए 10 साल लगा दिया आपने, कॉर्पोरेट्स को फायदा, एक बार आप हिंदुस्तान के आम आदमी के हाथ में पैसा देके देखें, आप डिमांड साइड इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाएं, किसान को, गरीब को, जिनको आपकी जो कोई राहत नहीं मिली आप उनको भी राहत देके देखें, आप लीगल गारंटी MSP पे देके देखें, आप मनरेगा में 400 रुपये की वेज करके देखें, और हमारे देश के आम आदमी के हाथ में आप पैसा दें ताकि उनके पास जब पैसा उनके हाथ में आएगा हमारी डिमांड बढ़ेगी, कॉर्पोरेट्स की इन्वेस्टमेंट तब हमारे देश में उस रूप से हो पाएगी। एक और कारण है, इतना ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स कट देने के बावजूद निवेश नहीं हुआ, इसका दूसरा कारण डिमांड कम के साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण है मोनोपोलीज। हमारे देश में क्रोनीज़म और क्रोनी मोनोपोलीज क्रिएट हो रही हैं। हमारे देश के 5 बड़े कॉर्पोरेट घराने आज लगभग 40 सेक्टर्स के अंदर आज उनके लिए सरकार की सहायता से उन्होंने मोनोपोलीज अपने लिए बनाने का काम किया है। सीमेंट, पोर्ट, डिफेंस, टेलीकॉम, ये वो सेक्टर हैं जिन सेक्टर्स में, अब तो न्यूक्लियर की भी बात आ रही है, कुछ कॉर्पोरेट घराने इन सेक्टर्स में मोनोपोलीज क्रिएट कर रहे हैं। लीगल और पीनल एनवायरनमेंट सरकारी एजेंसीज के माध्यम से ऐसा बनाया जा रहा है, जब मोनोपोलीज क्रिएट हो जाया करती हैं तो मोनोपोलीज में आप ये देखेंगे कि मोनोपोलीज के अंदर जो है दूसरा निवेश नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि यह असंतुलन जो बना है, जो गरीब आदमी से ज़्यादा लिया जा रहा है टैक्स और कॉर्पोरेट्स को राहत दी जा रही है, इस संतुलन को सरकार सुधारने का काम कर। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कैसे टैक्स लिया जा रहा है, पेट्रोल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अगर हम 2014 की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हमारी सरकार ने 1,72,000 करोड़ का एक्साइज ड्यूटी से टैक्स लेने का काम किया था UPA की सरकार के आखिरी वर्ष में, मगर 1,42,42,000 करोड़ वापस सब्सिडी में देने का काम किया था। मात्र कमाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट से उस समय सरकार में 30,000 करोड़ थी, आपकी सरकार में इस वर्ष पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कमाई है 4,32,000 करोड़ और सब्सिडी मात्र 11,000 करोड़। केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आपने 4,20,000 करोड़ देश की आम जनता से आप कमाई करने का काम कर रहे हैं, जहां हमारी सरकार एक वर्ष में 30,000 करोड़ करती थी, आप 4,20,000 करोड़ कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। पेट्रोल पे एक्साइज हमारे समय ड्यूटी जहां 9 रुपये थी आपकी 20 रुपये, डीजल पे 3 रुपये थी आपकी 15 रुपये, आज पेट्रोल से आप कमाई कर रहे हैं। टोल्स के माध्यम से 2014 में टोल्स में जो के माध्यम से पूरी कुल कलेक्शन 3,000 करोड़ थी, आज टोल्स के माध्यम से 65,000 करोड़ है। हर वस्तु पे आम मर्जा की वस्तु पे GST लगाकर आज सारा कर का बोझ आम आदमी पे, आप किसान पे जो डालने का काम कर रहे हैं, इस नीति से हम इस नीति का विरोध करना चाहते हैं। हम यही मांग करते हैं कि राहत दी जाए, पेट्रोल डीजल की एक्साइज पे राहत दी जाए, इंडेक्सेशन और कैपिटल गेन टैक्स में जो इंडेक्सेशन की आपने बात की उसको वापस लिया जाए, लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस में GST विड्रॉ की जाए। हम ये सारी मांगे सरकार से टैक्सेशन प्रोजेक्ट प्रपोजल में रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक मैं एक बात हरियाणा के
हरियाणा के विषय में एक बात मैं महत्वपूर्ण आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। अगर इस बजट में और इस फाइनेंस प्रपोजल में माननीय खट्टर साहब भी बैठे जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा अगर सौतेला व्यवहार किसी एक प्रदेश के साथ किया गया है तो वो हरियाणा प्रदेश के साथ किया गया, और मैं बताता हूँ कैसे। जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि हर प्रदेश केंद्रीय टैक्स कलेक्शन में हर प्रदेश अपना अपनी तरफ से कोई भागीदारी करता है, कितना केंद्र एक प्रदेश में से लेती है और कितना उस प्रदेश को वापस देती है। हरियाणा से जीएसटी में हम देखें जीएसटी टोटल क्या कलेक्शन में 7% जे देश की जीएसटी हरियाणा से आ रही है, 7.10%, और हरियाणा को वापस कितना मिल रहा है जो केंद्र की तरफ से प्रदेशों में दी जाने वाली राशि वापस कितनी मिल रही है, मात्र 1.009%, यानी कि 1% के करीब। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए हरियाणा से 7 रुपया केंद्र सरकार ले रही है और केवल 1 रुपये वापस दे रही है, और अगर प्रतिशत में बात करें तो 15% 100 रुपये केंद्र सरकार हरियाणा से ले रही है और 15 रुपये वापस दे रही है। ये पूरे देश में सबसे कम अगर किसी एक प्रदेश को दिया जा रहा है हरियाणा को दिया जा रहा है। प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में थोड़ा कम है ये हम मानते हैं, मगर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जिसमें कम दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में 29%, यानी कि 100 रुपये ले रहे हैं तो महाराष्ट्र को 29 रुपये दे रहे हैं। कर्नाटक में 100 रुपये ले रही है केंद्र सरकार तो 39 रुपये दे रही है, 40 के लगभग। तो पूरे देश में 29 प्रदेशों में आज हरियाणा एक प्रदेश है जहां सबसे कम 15% ही केंद्र सरकार वापस दे रही है। और नेट डिवोल्यूशन की बात करें कितनी केंद्र की राशि दी जाए, अगर प्रति व्यक्ति में देखें, प्रति व्यक्ति आज दुर्भाग्य ये कि प्रति व्यक्ति मैंने कैलकुलेट किया है अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो 29 प्रदेशों में सबसे कम पिछले वर्ष जो हमें डिवोल्व किया गया हरियाणा को दिया गया 22,000 करोड़, यानी कि प्रति व्यक्ति 6,938 रुपये हरियाणा को प्रति व्यक्ति मिला पिछले से। ये भी 29 राज्यों में सबसे कम हरियाणा को दिया जा रहा है। आप बाकी राज्यों को देखें, गोवा में 40,000, आप अरुणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति 1,40,000, आप तेलंगाना में प्रति व्यक्ति 25,000 केंद्र सरकार की तरफ से ये राशि दी जा रही है डिवोल्यूशन, मगर हरियाणा में मात्र 6,000 प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष। ये पिछले 5 साल से, यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन में 1% डिवोल्यूशन का जो फॉर्मूला हरियाणा के लिए निर्धारित किया गया था, खट्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उनने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसमें नीचे भी भाजपा की सरकार थी, ऊपर भी भाजपा की, सबसे कम हरियाणा को दिया जा रहा है। और ये जो सबसे कम दिया जा रहा है, सबसे कम ये दिया जा रहा है, सबसे कम आप पूरा सुन लीजिए, उसके बाद खट्टर साहब आप जवाब दीजिए। प्रश्न पूछना चाहते हैं आज ये हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, हरियाणा जिसकी आबादी देश में, हरियाणा का क्या कसूर है? हमारी आबादी देश में 2.1% है, क्या हमारा ये कसूर है? देश का क्षेत्रफल हरियाणा में 1.34% है, हमारे 4% देश की जीडीपी आज हरियाणा, क्या हमारा ये कसूर है? देश के जीएसटी कलेक्शन में 7% हरियाणा का योगदान है, क्या हमारा ये कसूर है? देश के फूड ग्रेन्स में, खाद्यान्न अन्न भंडारण में 33% हरियाणा किसान दे रहा है, क्या ये कसूर है? क्या देश की आर्म फोर्सेस में 11% हरियाणा से आर्म फोर्सेस का ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है, क्या ये कसूर है? क्या देश के मेडल 50% देश के मेडल हरियाणा से आ रहे हैं, क्या ये कसूर है? और इसके बाद हरियाणा में 29 प्रदेशों में सबसे कम हरियाणा को मात्र 1% केंद्र से मिलने वाली राशि मिल रही है। और आपने देखा बजट में, हमें इस बात का दुख नहीं है कि बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया गया, इस बात का तो दुख तो है, लेकिन आपने देखा कि खेलो इंडिया का बजट, आज देश के 3 मेडल आए, मैं कंक्लूड की तरफ जा रहा हूं, देश के 3 मेडल आए जिसमें से 2 हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। खेलो इंडिया का बजट भी जो 2200 करोड़ खेलो इंडिया का बजट रखा गया, उसमें भी मात्र 60 करोड़ हरियाणा को, यानी कि 2% बजट। खेल का बजट भी हरियाणा में और गुजरात में 500 करोड़ का बजट दिया गया, 20% खेलो इंडिया का, जहां से एक खिलाड़ी मेडल। तो आज मैं समझता हूं कि अन्याय है। और पिछले 10 वर्ष में मैं कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहता हूं, पिछले 10 वर्ष में इन्होंने कोई एक परियोजना केंद्र सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से हरियाणा को तो मिली नहीं, लेकिन यूपीए के समय भी जो हमारी मंजूरशुदा केंद्र सरकार की परियोजना थी 1,55,000 करोड़ की, वो परियोजनाएं जो यूपीए के समय मंजूर शुदी थी, चाहे हमारा एयरपोर्ट हो महम में जो जेवर चला गया,
30,000 करोड़ की लागत से बनने जा रहा था, चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो हमारे हरियाणा के अंदर जो बनारस में चली गई, चाहे 3 रेल की लाइन हो यमुनानगर चंडीगढ़, 1 इंच रेल की लाइन नहीं बिछी, चाहे हिसार फतेहाबाद दिल्ली गुड़गांव नू अलवर, चाहे ये रेल की लाइन हो, चाहे एम्स बाड़सा के अंदर 9 हमारे मेडिकल के प्रोजेक्ट हो, 10 साल में 1 प्रोजेक्ट हरियाणा को केंद्र की सरकार ने दिया नहीं। और जो यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो यूपीए की सरकार में हरियाणा को देने का काम किया था, वो भी एक एक करके। थैंक यू।